चंडीगढ़ को बिना 12 एकड़ जमीन दिए चंडीगढ़ से जमीन लेनी होगी, तभी हरियाणा के लोगों को विश्वास होगा कि निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार है। और इसमें मुझे लगता है कहीं कि हरियाणा की जो विपक्षी पार्टियां वो भी कहीं कि जो हरियाणा की वर्तमान सरकार है उसका साथ देने में आगे आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से हरियाणा और पंजाब की राजनीति में गर्मी है, एक उबाल है, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है और मुद्दा है चंडीगढ़ में हरियाणा का विधानसभा भवन। पिछले दिनों हरियाणा के कुछ नेताओं द्वारा यह बयानबाजी की गई कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा भवन के लिए जो जमीन है उसका रास्ता साफ हो गया है। इस पर पंजाब के जो नेता हैं वो गर्म हो गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम हरियाणा को चंडीगढ़ की 1 इंच जमीन नहीं देंगे। इस सब पर मामला तब क्लियर होता है जब चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया स्थिति क्लियर करते हैं कि ये मामला अभी तक लंबित है, इस पर कोई फैसला नहीं आया है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा साहब, पिछले एक हफ्ते से एक बड़ा गर्मी का माहौल बना हुआ है दोनों प्रदेशों में, पंजाब और हरियाणा में। हरियाणा विधानसभा भवन को लेकर हरियाणा के कुछ नेताओं ने कहा कि जमीन के लिए जो रास्ता है वो क्लियर हो गया। दूसरी तरफ सेम टाइम हरियाणा की पंजाब की लगभग सभी पार्टियां जो है इस पर बयानबाजी करती हैं और जो चंडीगढ़ है उसको पंजाब का अभिन्न अंग बताती हैं और यहां तक कहती हैं कि हम चंडीगढ़ में से हरियाणा को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। तो आप ये बताइए मुझे कि ये जो बयानबाजी है जब प्रशासक ने क्लियर किया इसके बाद कि कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, सब कुछ लंबित है, तो ये सब बयानबाजी बिना तथ्य को जाने हुए जो लीडर हैं, चाहे वो पंजाब के हैं चाहे हरियाणा के हैं, तथ्य पर पहुंचे बिना बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ राजनीति को चमकाने की कोशिश है? देखिए राजेंद्र जी, हरियाणा में एक हरियाणवी में कहावत है कि सूतना कपास जुलाया लठम लठ। तो कहीं ना कहीं ये जो इस मामले पर ये जो इस कहावत है ये पूरी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अभी तक ना तो जमीन अलॉट हुई है और ना ही किसी तरह का अभी तक विचार किया गया है। और ऐसे में मुझे लगता है ये जो नेताओं के, जो पंजाब के और हरियाणा के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी की जा रही है। हालांकि जो हरियाणा के पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता ने तत्कालीन जो उस समय पिछले जो विधानसभा का टेन्योर था उसमें वो अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, केंद्र सरकार के साथ साथ यूटी प्रशासन को भी एक प्रस्ताव दिया था कि हरियाणा को जो 10 एकड़ जमीन है अपन चंडीगढ़ में हरियाणा के विधानसभा के नए भवन के निर्माण के लिए वो अलॉट की जाए। उन्होंने एक पक्ष दिया था कि 2029 में जो प्रिसिमन होना है हरियाणा विधानसभाओं का और लोकसभा का, तो उसमें हरियाणा की सीटें जो बढ़ेंगी, विधानसभा क्षेत्र वहां पे बढ़ेंगे हरियाणा के। और अब जैसे हरियाणा के में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो प्रिसिमन के बाद मुझे लगता है 120 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे जी। और उन्होंने ये जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव में ये मेंशन किया था कि जो अब विधानसभा भवन है हरियाणा का, पंजाब और हरियाणा भवन का, हरियाणा का इकट्ठा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो जो बैठने की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं 120 जो परिसीमन के बाद जो विधानसभा क्षेत्र बनेंगे, विधानसभा क्षेत्र बनेगा तो स्वाभाविक है कि 120 विधायक चुनकर भी आएंगे, तो 120 विधायकों के जो बैठने की जगह वो कम पड़ेगी। तो इसलिए हरियाणा को जो नया विधानसभा भवन निर्माण की आवश्यकता है उस बात को देखते हुए उन्होंने प्रस्ताव दिया था। हालांकि अभी जो मामला पिछले कई 2-3 साल से मुझे लगता है ये ठंडा पड़ा था जी। और अभी जो एक केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्रालय है उनका नोटिफिकेशन आया है कि जो वन राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य की जो जमीन है उसकी जो जो उसके सीमांकित करने की जो अवधि है वो के दायरा है वो 1 किलोमीटर का के दायरे में उसको इको सिस्टम जोन उसको घोषित करने के लिए नोटिफिकेशन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किया है और वो नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किया है। तमिलनाडु का एक नीलगिरी जिला है,
नीलगिरी जिले में एक वन भूमि सुरक्षा से संबंधित मामला दायर किया गया था तमिलनाडु के नीलगिरी जिले से सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी एवज में उसके उस मामले में निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पूरे जो देश के जो वन राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव अभयारण्य है, उनके जो 1 किलोमीटर के साथ लगती हुई जमीन है उसको कहीं ना कहीं इको सिस्टम जोन घोषित किया जाए। और उसी मामले में हमारी जो चंडीगढ़ में सुखना लेक है उसका भी क्षेत्र आता है, सुखना सेंचुरी की बात है वो भी एक क्षेत्र आता है। तो उस मामले में भी जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है सुखना लेक के मामले में भी उन्होंने एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया और ये कहा कि सुखना के साथ जो 1 किलोमीटर की जो जमीन है पंचकुला की तरफ वो कहीं कहीं वो जो इकोसिस्टम जोन उनको उसको घोषित किया जाए जी। और इस नोटिफिकेशन के बाद एक हरियाणा सरकार को एक हौसला मिला, एक उत्साह हुआ है उनको कि कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन से जो हमारी जमीन थी जो हमने चिन्हित की थी जो हमने एक देख जमीन देखी हुई है चंडीगढ़ में वो जमीन जमीन इस जो इको सेंसिटिव जोन है उससे बाहर आती है, 10 एकड़ की जमीन है और उसमें उसको ये देखते हुए कि ये जमीन बाहर है और उसको देखते हुए उन्होंने ये बयान दे दिया और बयान नहीं दे दिया कि दावा कर लिया कि कहीं कहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नए जो चंडीगढ़ में हरियाणा के विधानसभा के लिए जमीन अलॉट होनी है उसके लिए एक रास्ता साफ हो गया है। तो इस तरह के मामले में दूसरी ओर जब इस तरह के बयान आए हरियाणा की तरफ से सरकार ने दावा किया कि अब रास्ता साफ हो गया है और अब हम जो 10 एकड़ जो जमीन 12 एकड़ जमीन देकर 10 एकड़ यूटी प्रशासनिक जमीन ले सकते हैं और नया जो विधानसभा का भवन है वो बना सकते हैं। तो तुरंत बाद जो जो पंजाब की राजनीति उसमें भी गर्माहट आई है, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी उबाल आया है। सभी पार्टियों के नेताओं ने यहाँ तक कहा कि हरियाणा को चंडीगढ़ में 1 इंच भी जमीन नहीं देने देंगे क्योंकि चंडीगढ़ पूरा कब्जा पूरा हक है पंजाब का है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं दोनों जो स्टेट के राजनेता हैं नेता हैं जो भी वो कहीं ना कहीं पूरा एक दूसरे पर शब्द बाण छोड़ रहे हैं जी। देखिए कहीं ना कहीं आप जैसा बता रहे हैं कि भी नोटिफिकेशन आई सुप्रीम कोर्ट की कि इको सेंसिटिव जोन जो है उससे 1 किलोमीटर के अंदर जो है 1 किलोमीटर छोड़कर जो है वो कंस्ट्रक्शन होगी, 1 किलोमीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। इस चीज को कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जो है वो इस तरह ले गई कि शायद उनका जो विधानसभा भवन है वो बनने के लिए रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर आपने ये बताया कि 10 एकड़ जमीन चंडीगढ़ में लेकर वो हरियाणा में चंडीगढ़ को बिल्कुल जो चंडीगढ़ के साथ लगता एरिया है उसमें 12 एकड़ जमीन देने के लिए राजी हुए हैं, लेकिन इसी पर जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा उन्होंने कहा है कि हमारा जो चंडीगढ़ पर है बराबर का अधिकार है, कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा की 60-40 की रेशियो है, अगर 60% पंजाब का हक है तो 40% हरियाणा का भी हक है। तो इस तरह से ये डील करना कि 10 एकड़ जमीन लेकर 12 एकड़ जमीन उनको देना ये कहीं ना कहीं गलत है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री और जो सिरसा से सांसद है कुमारी शैलजा, उन्होंने हरियाणा के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उन पर तो निशाना साधा ही है, दूसरी ओर पंजाब के नेताओं पर भी निशाना साधा, पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा कि जो हरियाणा के जो सरकार जो 10 एकड़ भूमि लेने के मामले में और 12 एकड़ भूमि हरियाणा से दे रही भूमि का अदला बदला ये बिल्कुल भी कहीं भी औचित्य नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ पर 60-40 का जो एक अनुपात का जो हक है वो हरियाणा का है, यानी 60% हक पंजाब का और 40% जो हक है हरियाणा का है जी। तो ऐसे में हरियाणा का पूरा हक बनता है और बिना जमीन दिए हरियाणा की 12 एकड़ बिना जमीन दिए वो कहीं कहीं उसके जो नई विधानसभा की जमीन के लेने के मामले में के हक में कांग्रेस पार्टी ने अपनी ये इच्छा जाहिर की है कि किसी प्रकार की जमीन चंडीगढ़ को बदले में नहीं दी जाए क्योंकि अगर जमीन के बदले जमीन देते हैं तो चंडीगढ़ में हरियाणा का जो हक है वो कहीं कहीं कमजोर पड़ता है, हरियाणा का जो दावा है 60-40 वो कहीं कहीं कमजोर पड़ेगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि पंजाब सरकार पर और पंजाब के नेताओं पर यहाँ ये भी आरोप लगाया कि हरियाणा
के साथ पंजाब के नेताओं ने कभी भी न्याय नहीं किया, वो हर समय अन्याय करते हैं, क्योंकि चाहे SYL का मामला हो, चाहे हाँसी बुटाला नहर का मामला हो, SYL का मामला जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के पक्ष में दिया जा चुका है, अभी तक कहीं ना कहीं जो पंजाब सरकार ने SYL का पानी देने के लिए कहीं ना कहीं राजी नहीं हो रही है, और उसके लिए दोनों स्टेट की लड़ाई खुल्लम खुल्ला बिल्कुल मैदान में आ चुकी है। तो इसलिए, और हाँसी बुटाला नहर की जहाँ तक बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी हरियाणा में, उन्होंने हाँसी बुटाला नहर बनाई थी, 300-350 करोड़ रुपए की लागत से वो नहर खोदी थी, और उसमें कहीं ना कहीं जो भाखड़ा में जो पानी जा रहा है पंजाब को, उनका हरियाणा का ये दावा कि दावा नहीं बल्कि ये सही है कि जो पानी का जो बंटवारा है वो कहीं ना कहीं पंजाब के को ज्यादा हो रहा है, हरियाणा को कम हो रहा है। इसी को देखते हुए हाँसी बुटाला नहर का निर्माण उन्होंने करवाया, और उसमें जो भाखड़ा में जो खनौरी के पास से पंचर किया जाना था, पानी लिया जाना था हाँसी बुटाला नहर में, वो भी पंजाब सरकार ने नहीं दिया। इसलिए लगातार जो हरियाणा सरकार को न्याय के साथ अन्याय जो पंजाब सरकार कर रही, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि सही नहीं है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पंजाब के सरकार ने या पंजाब के नेताओं ने हरियाणा के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया है, SYL की मुद्दे की बात करें, हाँसी बुटाना नहर की बात करें, या हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात करें, उसको हरियाणा को सौंपने की बात, कई सारी ऐसी बातें हैं जो अक्सर होती रही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कहीं ना कहीं उन पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं बात करूंगा फिर से हरियाणा का जो विधानसभा भवन है चंडीगढ़ में बनाया जाना है, जिसके लिए प्रपोजल उन्होंने तैयार की हुई है, मैं उसकी बात करता हूं कि कहीं ना कहीं हरियाणा वाले कहते हैं कि हमारे पास डबल इंजन सरकार है, यानी कि हरियाणा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ के जो प्रशासक है, जो गवर्नर होता है, वो कहीं ना कहीं केंद्र के अधीन होता है, केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक, तो ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होगा। तो एक तरह से चंडीगढ़ में हरियाणा की ओर से ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। क्या है ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद, उसके बावजूद ये चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा भवन जो है वो बना सकते हैं? देखिए, ट्रिपल इंजन की जो बात आपने कही वो बहुत वाजिब बात है, और जहाँ तक जो चंडीगढ़ में हरियाणा का के विधानसभा का नया भवन बनाने की जो जरूरत है, वो मुझे लगता है जिस प्रकार से उन्होंने अपना प्रस्ताव में मेंशन किया कि 2029 तक वो परिसीमन होना है, निश्चित रूप से वो उसके विधानसभा क्षेत्र बढ़ेंगे, और उस विधानसभा क्षेत्र के बढ़ते हुए MLA भी, विधायक भी 120 आएंगे, उनके लिए बैठने की जगह करना ये कहीं कहीं हरियाणा सरकार का भी एक वाजिब वो पक्ष बनता है, मजबूत पक्ष बनता है। और अब आपने ये कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये तो सभी जानते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है, और वहाँ तीसरी सरकार जिसको हम कह सकते हैं यूटी प्रशासन है। यूटी प्रशासन में जो प्रशासक हैं वो पंजाब के गवर्नर भी हैं, और जो पंजाब के गवर्नर यूटी प्रशासक हैं वो कहें जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं के रूप में वो यहाँ पे प्रशासक के रूप में और गवर्नर के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार से तीन सरकारें हम कह सकते हैं, निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार कह सकते हैं। और हरियाणा की सरकार बड़े मजबूती से ये फैसला जो मामला है केंद्र सरकार के पास हरियाणा सरकार ने रखना होगा, और तीनों जो ट्रिपल सरकार की जो पावर है, तीनों सरकारों को जो पावर को यूज करते हुए कहीं ना कहीं अगर ये जमीन चंडीगढ़ में 10 एकड़ हरियाणा की विधानसभा के लिए जमीन ले पाती है तो निश्चित रूप से हरियाणा के लिए फायदा होगा। और वो भी अगर आप कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार है, बिना जमीन दिए चंडीगढ़ को, बिना 12 एकड़ जमीन दिए चंडीगढ़ से जमीन लेनी होगी, तभी हरियाणा के लोगों को विश्वास होगा कि निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार है। और इसमें मुझे लगता है कहीं कहीं हरियाणा की जो विपक्षी पार्टियां वो भी कहीं कहीं जो हरियाणा की वर्तमान सरकार है उसका साथ देने में आगे आएंगी, और हरियाणा सरकार का ये दावा बना रहना चाहिए, मजबूत दावा पेश करना चाहिए कि बिना किसी जमीन के अदला बदले वो यहाँ पे जमीन अलॉट करवाएं, और तभी ट्रिपल इंजन सरकार का फायदा हो सकता है। और नहीं तो अगर नहीं करवा पाई तो फिर यही कह सकते हैं कि जो पहले जो कहावत मैंने वो
कही थी वो अभी दोबारा फिर यही दोहराऊंगा कि सूत ना कपास जुलाह लठम लठम लठ। मुझे लगता है बिना किसी बात के झगड़ा करने वाली बात होगी, अगर किसी प्रकार की जो जमीन अगर नहीं ले पाए तो सरकार हरियाणा सरकार जी कहीं ना कहीं हरियाणा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हरियाणा के जो नेता हैं, वो चंडीगढ़ पर अपना जो अधिकार है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि चंडीगढ़ पर जो अधिकार है वो 60-40 की रेशो से है, अगर 60% पंजाब का है तो 40% कहीं ना कहीं हरियाणा का भी है। दूसरी ओर पंजाब के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हम हरियाणा को 1 इंच जमीन चंडीगढ़ में से नहीं देंगे। ये दोनों जो राज्य हैं इनकी जो गर्मी है, राजनीतिक बोल है, राजनीतिक बाण है, ये आने वाले समय में क्या गुल खिलाते हैं, देखने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।